हाय दोस्तों, आज हम छोटी छोटी ट्रिक्स के माध्यम से सीआरपीसी की परिभाषाएं याद रखने की कोशिश करेंगे। ओ आर एस के घोल का नाम तो दोस्तों सबने सुना होगा। ओ से ऑफिसर, आर से रिपोर्ट और एस से स्टेशन। हमें तीन चीज़ें याद रखना है, ओ से पुलिस ऑफिसर, आर से पुलिस रिपोर्ट और एस से पुलिस स्टेशन। ये परिभाषाएं 2O, 2R और 2S में दी गई हैं। तीनों परिभाषाएं पुलिस से संबंधित हैं, तो ORS से हमने याद रख सकते हैं। एक ही क्रम में 2O में पुलिस ऑफिसर, 2R में पुलिस रिपोर्ट और 2S में पुलिस स्टेशन यानी पुलिस थाना। इसी तरह दोस्तों हम दो परिभाषाएं और याद रख सकते हैं CL से। CL को क्रीमी लेयर से या कॉलेज लेवल राउंड से याद रख सकते हैं। सी में है कॉग्निजेबल अफेंस यानी संज्ञेय अपराध की परिभाषा और 2L में है नॉन कॉग्निजेबल अफेंस यानी असंज्ञेय अपराध की परिभाषा। और 2A जमानती अपराध से शुरू होती है परिभाषाएं। और 2Y यानी जिन शब्दों को CRPC में प्रयुक्त किया गया है किंतु परिभाषित नहीं किया गया है और वो शब्द IPC में परिभाषित हैं, तो उनके वही अर्थ होंगे जो IPC में हैं। इस तरह से एक शुरू की, एक आखिरी की, CL और ORS, सात परिभाषाएं हम याद रख सकते हैं। दोस्तों शुरू की